हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बिगिनर मेकअप किट। अगर आप मेकअप करने में बिगिनर हो और आपको मेकअप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो आप मेरे दिखाए हुए प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन हिट करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर के लिए मैं आपको एक क्रीम दिखाऊंगी जो बिल्कुल अफोर्डेबल है, और वो है निविया की ये क्रीम। ये है निविया सॉफ्ट बेरी ब्लॉसम, जो जिसकी MRP 85 रुपीज़ है। और अगर आप नायका में से परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाती है, 72 या 73 में आ जाती है आराम से। तो मेकअप करने से पहले अपना स्किन केयर ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कीजिए। और अगर आप ये वाला क्रीम नहीं लेना चाहते तो उसके अलावा एक बायोटिक का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम भी मैं आपको बताऊंगी। मैं वो यूज़ कर चुकी हूँ पर फ़िलहाल मेरे पास वो डब्बा ख़त्म हो गया था तो मैंने फेंक दिया है। पर आप अगर बायोटिक के प्रोडक्ट वो ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो स्किन केयर में सबसे पहले ये हो गया फेस क्रीम। नेक्स्ट हमें अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं आपको सबसे सस्ता वाला लिप बम सजेस्ट करूँगी, और वो है वादी हर्बल्स की तरफ से। ये है वादी हर्बल का स्ट्रॉबेरी लिप बम और ये मेरा फेवरेट लिप बम है। अब कोई भी लिप बम ट्राई कर लो क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और चलता भी ज़्यादा है और लिप्स को ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज करके रखता है। और फिलहाल ये मेरा ख़त्म हो गया है, बट मैंने मंगवा लिया है नायका से। तो नायका का हॉल है, मैंने इससे आगे भी एक शेयर कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक और नायका हॉल मैं शेयर करूँगी जल्दी ही, जो मैंने मंगवा लिया है नायका से। तो ये वीडियो पहले जाएगी और नायका हॉल बाद में आएगा। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हो गया हमारा स्किन केयर। फिर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें स्किन केयर के बाद हमें क्या करना है, प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये इनसाइड का प्राइमर। ये है इनसाइड का प्राइमर 3-in-1 प्राइम्स प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर्स, और ये लॉन्ग लास्टिंग है और ऑयल फ्री है, और ये भी आपको नायका में आराम से मिल जाएगा। और इसकी MRP है 240 रुपीज़, और नायका में इसमें कभी कभी ही डिस्काउंट रहता है वरना ये इसी प्राइस पे मिल जाता है। बट ये सबसे सस्ता वाला प्राइमर है, और ये कलर बार वाला जो प्राइमर आता है उसको भी ये टक्कर दे ऐसा प्राइमर है। तो अगर आप कोई सस्ता वाला प्राइमर देखना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राइमर अप्लाई करना है, उसके बाद प्राइमर के बाद हमें चाहिए फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आपने इसका रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है और इसकी MRP है 140 रुपीज़, और ये नायका में हमें 120 रुपये में आराम से मिल जाता है। तो अगर आप कोई कम प्राइस वाला फाउंडेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको फाउंडेशन अप्लाई करना पसंद नहीं है तो आपको आप उसे स्किप करके उसकी जगह आप बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास है बेबी क्रीम में पॉन्स की ये बेबी क्रीम।
और ये वाली बीबी क्रीम में मेरा सेट है 01 ओरिजिनल। इसमें दो सेट आते हैं, एक 01 ओरिजिनल आता है और दूसरा आता है 02 जो मीडियम टोन के लिए है। तो अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है तो आप 01 ओरिजिनल वाला सेट परचेस कर सकते हैं और इसकी MRP है 67 रुपीज़। हाँ, इसकी MRP है 67 रुपीज़ और इसकी सेल्फ लाइफ भी 3 साल तक है और ये आपको कोई भी लोकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इतनी छोटी वाली नहीं मिल रही है, आपको बड़ी वाली ही खरीदनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप इतना बड़ा सीधा ट्राई नहीं करना चाहते तो आप ये छोटी वाली लेकर ट्राई कर सकते हैं। और ये अंदर से इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है और बहुत ही छोटी सी है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमें चाहिए फाउंडेशन, प्राइमर हो गया, फाउंडेशन हो गया और फिर हमें चाहिए काजल। तो काजल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये नायका का काजल। ट्रस्ट मी गाइस, ये काजल माइंड ब्लोइंग है, वाव है, वाव, यू नो, बॉम्ब है। तो अगर आपने ये वाला काजल ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्वॉच करके भी दिखाऊंगी। और ये मैंने अभी अभी परचेस किया है पर मैंने गाइस एक बार यूज़ किया पर सच में ये वाटरप्रूफ है काजल। और आप इसकी पैकेजिंग इस तरह से देख सकते हैं। और ये बटरी सॉफ्ट काजल है और ये बिल्कुल स्मच नहीं करता है, आप देख सकते हैं। उसे थोड़ी देर सूखने देना पड़ता है और कुछ सेकंड के बाद ये मैट हो जाता है और ये बिल्कुल भी स्मच नहीं करता है, बिल्कुल भी स्मच नहीं करता है। सो, अगर आपने नायका का ये काजल ट्राई नहीं किया है तो आप ये वाला काजल ट्राई कर सकते हैं और इसकी MRP है 199 रुपीज़। बट नायका में इस पर डिस्काउंट चलता रहता है तो ये मुझे 149 की मिल गई थी। काजल के बाद हमें चाहिए आँखों के लिए मस्कारा। अगर हमने मस्कारा या काजल अप्लाई नहीं किया है तो हमारी आईज़ है वो थोड़ी डल डल लगेगी, हमारा चेहरा है वो थोड़ा सुना सुना लगेगा। तो आपको मैं सॉरी, मस्कारा के लिए दो मस्कारा आपको मैं रिकमेंड करूँगी और एक मस्कारा है ये मैबेलिन का, ये वाटरप्रूफ वाला है। अगर आप वाटरप्रूफ वाला नहीं लेना चाहते तो आप वॉशेबल भी ले सकते हैं। और अगर आपको रोज़ाना के लिए मस्कारा लेना है तो आप वाटरप्रूफ वाला मत लीजिएगा क्योंकि वाटरप्रूफ है वो जल्दी से निकलता नहीं है और हमारी जो आईलैशेस है वो निकल जाती है धीरे धीरे, 1-2-3 ऐसे निकलती रहती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको वॉशेबल मस्करा लेना चाहिए। तो एक ये वाला अफोर्डेबल रेंज में है और इसकी MRP है 399 रुपीज़। बट मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट 299 में नायका में मिल गया था। एक ये वाला है और इससे भी दूसरा है वो इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है और वो है इनसाइड की तरफ से, ये है इनसाइड का लेस एक्सटेंशन मस्कारा और इसकी पैकेजिंग इस तरह से है। और ये बहुत ही गुड क्वालिटी का मस्कारा है और इसकी MRP 200 अराउंड है
और नायका ऐप से मैंने खरीदा था और मुझे 190 में मिल गया था। और ये भी वॉशेबल वाला भी है और थोड़ा वाटरप्रूफ भी है, दोनों मिक्स है। मतलब ये इतने जल्दी से जाता भी नहीं है, और जो वाटरप्रूफ होता है वो रगड़ रगड़ के घिस घिस के हमें निकालना पड़ता है, उस तरह का भी ये नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो वो आराम से ये निकल जाता है। तो ये फिलहाल ये वाला मस्करा मेरा फेवरेट है, और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही क्लासी है। अभी मस्करा हो गया, काजल हो गया, फिर हमें चाहिए आई शेडो। तो आई शेडो के लिए मेरे पास है ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और इसकी MRP है 499 रुपीज़। पर आपको फ्लिपकार्ट में आराम से ये अराउंड 300 में मिल जाता है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से 300 में परचेस किया था। और इसके सेट आपको दिखाती हूँ, इसके सेट बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अगर आप इससे आईब्रो फिल करना चाहते हैं तो आईब्रो भी इस डार्क ब्राउन कलर से आप फिल कर सकते हैं। अगर आप इसे ब्लश की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये कलर को आप एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दो ट्रांजिशन शेड दिए हुए हुए, और एक ये वाला जो सिमरी शेड है ये, और ये वाला शेड जो सिमरी शेड है वो आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। तो अगर आप एक पैलेट में सारे कलर्स चाहते हैं कि जो हाइलाइटिंग का काम करे, जो ब्लश का काम करे, आपके आईब्रो फिल कर सके, तो और हाँ ब्रोंजर के लिए भी ये दोनों शेड परफेक्ट है। तो एक पैलेट में हमें ऐसे सारे रंग मिल जाते हैं जो हमें ब्रोंजर के लिए ज़रूरत नहीं है, और हमें ब्लश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें हाइलाइटर भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आई शेडो पैलेट लेना चाहते हैं तो ये वाला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, और हाँ इसका शेड है रोज इन द एयर, इसका शेड नंबर है रोज इन द एयर। नेक्स्ट मैं आपको एक आईब्रो पेंसिल सजेस्ट करूंगी जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। और वो है ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल। इसकी पैकेजिंग इस तरह की है, और इसमें दो शेड या दो तीन शेड आते हैं, और इसमें मेरा शेड है 02 डार्क ब्राउन। अगर आपकी आईब्रो एकदम से ब्लैक नहीं और थोड़ी सी ब्राउन कलर की है तो ये वाला पेंसिल आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें जो उसका जो कैप है उसमें इस तरह की रिसल्स आते हैं, जो हमारे आईब्रो फिल करने के बाद, हम अगर आईब्रो फिल कर लेते हैं उसके बाद उसको अच्छी तरह से इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई सस्ता वाला आईब्रो पेंसिल चाहिए तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। और इसकी MRP कुछ 65 रुपीज़ है। हाँ इसकी MRP 65 रुपीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपस्टिक की, जो सभी लड़कियों के फेवरेट है। मैं भी कुछ मेकअप करूँ या ना करूँ, लेकिन लिपस्टिक, आई लव लिपस्टिक।
मुझे लिपस्टिक करना सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे दूसरा कोई मेकअप करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। तो लिपस्टिक के लिए मैं आपको दो न्यूड लिपस्टिक सजेस्ट करूँगी और एक थोड़ी ब्राइडल लुक में, या आप कोई शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो उसमें आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं, और वो है एलईडी की ओर से। और इसमें मेरा शेड है सेल्फी रेड। ओके, इसमें मेरा शेड है सेल्फी रेड। अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है तो ये वाला कलर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत ही एकदम बटरी सॉफ्ट लिपस्टिक है, और ये कई घंटे आराम से हमारे लिप्स पर रहती है। तो कोई आप अच्छा वाला रेड कलर चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला जो एलईडी का कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक है वो ट्राई कर सकते हैं। और इसकी एमआरपी है 100 रुपीज़, बट नायका में आपको आराम से 80 रुपीज़ में मिल जाती है। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये नायका की लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक नायका की न्यू लॉन्च लिपस्टिक है, और ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है, और इसमें मेरा शेड है ब्रेक का लेग। इसमें मेरा शेड है ब्रेक का लेग, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही लग्जरी पैकेजिंग है, और ये मेरी फेवरेट है। लुक एट द स्वॉच, ये पिंकिश न्यूड कलर है। अगर आप पिंक कलर अप्लाई नहीं करना चाहते और थोड़ा सा जो पिंक सा न्यूड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इसकी एमआरपी है 299 रुपीज़, बट ये आपको आफ्टर डिस्काउंट आपको नायका में 254 अराउंड मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको जो लिपस्टिक सजेस्ट करूँगी और वो है फेसेस कनाडा की तरफ से। ये फेसेस कनाडा की वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक है, और इसमें मेरा शेड है सटल मोवा 10, और ये वाली लिपस्टिक की प्राइस भी 299 रुपीज़ है, और ये भी हमें आराम से डिस्काउंट प्राइस में 240 या 230 तक हमें मिल जाती है। एंड इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है, लुक एट द पैकेजिंग। बहुत ही टाइट है इसका ये कैप, ऐसे ही निकलने वाला नहीं है। लुक एट द पैकेजिंग, बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है, और ये वाला भी पिंकिश न्यूड जैसा ही कलर है जैसा नायका का था। दोनों सेट मुझे सेम ही दिख रहे हैं, सो आप इस तरह से अराउंड 300 लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वाली लिपस्टिक आप बाई कर सकते हैं। फिर क्या बचा, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन बता दिया, बीबी बता दी क्रीम, अभी कॉम्पैक्ट तो रह गया। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये कलर बार का कॉम्पैक्ट, और इसमें मेरा शेड है सैंडी न्यूड, 003 सैंडी न्यूड कलर है इसमें मेरा, और इसकी पैकेजिंग इस तरह से है। बहुत ही अच्छी वाली पैकेजिंग है इन लोगों की, और इस तरह से हमें ये स्पंज मिलता है जिसमें कलर बार लिखा हुआ है। इस तरह से ये वाला भी मिलता है जो पाउडर को सेपरेट रखता है कॉम्पैक्ट को।
ये बहुत ही अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, हमारे मेकअप को मैट फिनिश देता है। आप कम प्राइस में कॉम्पैक्ट लेना चाहते हैं तो ये वाला आप बाय कर सकते हैं। और इसके भी MRP 300 रुपीज़ है, बट आपको नायका पे डिस्काउंट प्राइस में 240 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाला लैक्मे का। ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर और ये वाटर रेजिस्टेंट जो आईलाइनर है। अगर आपने ये वाला ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और इसकी MRP है 120 रुपीज़। और ये आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ। इसकी जो टिप है वो बहुत ही पतली है, आप आराम से विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जेड ब्लैक है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी MN का। ये है MN का आईलाइनर। और इसकी MRP मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही है, बट ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था और ये मुझे 140 रुपीज़ में मिल गया था। और ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं तो। इस तरह से आप स्केच पेन की तरह है, तो पेन की तरह आप आराम से, जिसको इससे आईलाइनर बनाना नहीं आता, इससे मुझे भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इससे आराम से लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये है 01 ब्लैक और ये MN की है सुपर स्लिम। फिर मैं आपको ब्लश दिखाऊंगी और ये सबसे सस्ता ब्लश तो नहीं बोलूंगी, बट सबसे अच्छा वाला और बजट फ्रेंडली मुझे लगता है। और ये है मेबेलिन का और ये है कलर सो, या थोड़ा सा नाम इसमें चला गया है। ये मेबेलिन का कलर शो ब्लश है और इसकी MRP 300 रुपीज़ है, बट नायका पे इस पर डिस्काउंट चलता रहता है। तो मुझे ये आज से 2 साल पहले मुझे ये 225 रुपीज़ में मिल गया था। और इसमें मेरा सेड है शेड नेम कहीं नहीं दिख रहा है, कौन सा शेड है, पीची स्वीटी करके कुछ सैड है। और ये छोटू सा आता है, इतना सा है, देखो मेरे पूरे पाम में भी नहीं आ रहा है, इतना सा छोटू आता है। पिक्चर को जब आप परचेस करते हो तब पिक्चर पे आपको ये बहुत बड़ा दिखेगा, बट ये छोटा सा है और ये इनफ है, इससे ज़्यादा हमें ब्लश चाहिए ही नहीं होता है। और लुक एट द कलर, पीची स्वीट कलर है ये थोड़ा सा। सो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। अभी क्या रह गया, ओके फिनिश, आई होप कि कुछ ना रह गया हो।
ओके फिनिश। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।